अनिल कौशिक, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। मुझे कुछ समय के लिए पंजाब पुलिस का डीजीपी रहने का मौका मिला। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर भूषण चंद्र गुप्ता, मेरे बैचमेट और मेरे मित्र भी, जो कि पंजाब में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पर रह चुके हैं। 15 साल आपने फील्ड में पंजाब में कई जगह एज डीसी, एज कमिश्नर काम किया। उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट महकमा नहीं है जिसके गुप्ता साहब सेक्रेटरी नहीं रहे। और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दूं कि इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की, जिसका इन्होंने बाद में पूरा इनको सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से भी इसको उस क्वालिफिकेशन को यूज़ करने का मौका मिला। ये प्रेसिडेंट इंटरनेशनल शुगर काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे और आजकल गुप्ता जी काम कर रहे हैं एज मेंबर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। गुप्ता जी, हिंदुस्तान में जो कंज्यूमर लॉज हैं उनकी करंट पोजीशन क्या है और उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? करंटली मैं मेंबर हूँ नेशनल कंज्यूमर कमीशन का। तो जो कंज्यूमर लॉ है वो यूएनओ की गाइडलाइंस पे बना है। 1985 में ये गाइडलाइंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके बनाई थी, तो उसके आधार पे हमारे कंट्री में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। और उसके बाद ये गाइडलाइंस दिसंबर 2015 में ये रिवाइज़ की गई हैं और उसके आधार पे नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल इसी 5 जनवरी को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो कंज्यूमर लॉ का जो प्रीएम्बल है वो यही है कि जो भी कंज्यूमर है उसके हितों की अच्छी तरह रक्षा करना, उनकी जो उनकी समस्याएं हैं उसका सही ढंग से समाधान करना, तो यही हमारे कमीशन का ये काम है। तो ये जो आपका कमीशन है ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बना है, तो ये जो कमीशन है या इसके जो नीचे कोई बॉडीज़ हैं उनके बारे में किस तरह की उनकी फंक्शनिंग है, क्या है, आप हमारे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहेंगे? ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स इंडिया में हैं उसकी हमारी 3-tier स्ट्रक्चर है। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होता है, तो जिसकी सदारत एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज करता है। और हर स्टेट में एक स्टेट कमीशन होता है जिसके प्रेसिडेंट एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, और नेशनल कमीशन पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके साथ हम 11 मेंबर हैं। और ये सारा जो सिलसिला है, जो भी ऑर्डर हम पास करते हैं तो फाइनली उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो इस तरह ये 4-tier स्ट्रक्चर है जो इस वक्त काम कर रही है। जैसे आपका एज IAS ऑफिसर भी फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है और अब आप मेंबर इस कंज्यूमर कमीशन के भी हैं, तो आपने क्या, पब्लिक के हिसाब से आपको क्या लगता है कि पब्लिक की मेन इश्यूज कंसर्न्स क्या हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति एक कंज्यूमर का रूप उसमें है कि जो भी रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं तो उसको कंज्यूमर माना जाएगा। चाहे आप एक बैंक के साथ डील करते हैं, चाहे आप गैस का कनेक्शन लेते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे आप किसी प्लॉट की बुकिंग करते हैं, चाहे आप अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो आप कंज्यूमर की परिभाषा में आते हैं। और अगर आप मुझे पूछिए तो उसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए, तो मेरा जो तजर्बा 5 साल का है इस कमीशन में, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है साइनिंग ऑन दी डॉटेड लाइन, कि हम साइन करते जाते हैं। अब कहीं से आप लोन लेते हो बैंक से, कहीं पे प्लॉट बुक कराते हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। ये गुप्ता जी आपने पॉइंट बिल्कुल सही कहा, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, हम साइन ऐसे ही करते हैं। चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे पढ़ना लिखना उसको आता है नहीं आता है, एवरी डे वी आर साइनिंग सो मैनी पेपर्स विदाउट नोइंग कि उसमें लिखा क्या है। और अगर आप पढ़ना भी चाहो तो वो इतने फाइन प्रिंट पे लिखा होता है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो आपने जैसे कोई सर्विस किसी की अवेल कर ली, कोई चीज़ आपने खरीद ली, कोई गारंटी कार्ड भी दे दिया उसने आपको, लेकिन उसके बाद जब कोई इशू अराइज होता है, जब वो खराबी निकलती है उसमें, कोई सर्विस में खामी निकलती है या कोई ऐसा कोई चीज़ होता है
कि जिसमें आपको कोई क्लेम फाइल करना है, तो उस वक्त तो बड़े बड़े लेंस लगा के तो फिर क्लेम की वो पड़ताल की जाती है, तो उस वक्त ये पता लगता है कि मैंने ऐसी जगह पे साइन किए हैं तो मुझे तो क्लेम मिल नहीं सकता। तो बड़ी ज़रूरत है हमारे मुल्क में कि ये एक अवेयरनेस लाने की कि हम बिना देखे बिना पढ़े किसी चीज़ पे साइन ना करें। तो साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने देखी है जो केस हम डील करते हैं उनमें। तो गुप्ता जी, अपने किसी इतने आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, कमीशन मेंबर भी आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का रहा है, तो क्या कोई एग्जांपल ऐसी दे सकते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि हाँ ये तो प्रिकॉशन लेने वाली बात है, या इस तरह से जो एक कोई आदमी कोई रिड्रेसल कहीं नहीं मिल रहा था लेकिन आपने उसको रिलीफ प्रोवाइड किया हो? जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके केस हमारे पास ना आते हों। चाहे वो रियलिटी सेक्टर है, कोई प्लॉट बुक कराया आपने, फ्लैट बुक कराया है, चाहे आपने कोई हस्पताल से इलाज कराया है, प्राइवेट हस्पताल, सरकारी हस्पताल, चाहे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, चाहे आप ट्रैवलर हैं मान लो एयर इंडिया में या किसी और में, तो आप कंज्यूमर बन जाते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास हमारे कोर्ट में पेश हुआ तो एक व्यक्ति जिसके चारों अंग कटे हुए हैं और उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, तो एक इंजेक्शन लगाया गया एक बहुत बड़े हस्पताल में हिंदुस्तान के, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उसका, उसके बाद गैंग्रीन हो गई। तो जो केस उसने किया है उसमें हिंदुस्तान के 5-6 बड़े बड़े हस्पताल हैं, पर लास्ट में क्या हुआ कि उसके चारों अंग काटने पड़े। इस तरह हमारे सामने एक बच्चा पेश किया गया, उसकी टांगें ही नहीं, निचला हिस्सा ही नहीं, और जितनी रिपोर्ट्स उसकी प्री नेटल की हैं डिलीवरी के पहले से, वो सारी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि उसके सारे अंग ठीक ठाक हैं। तो कई बार हमें समझ नहीं लगती कि पैदा होने के बाद उसकी टांगें कहाँ चली गई। एक सरकारी हस्पताल का केस आया मेरे पास, बहुत बड़ा हस्पताल है, चंडीगढ़ का ही है, वेंटिलेटर है वहाँ पर, 15 वेंटिलेटर है, उसमें से 11 काम ही नहीं कर रहे। तो किसी ना किसी पे तो जिम्मेवारी डालनी होगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है चाहे वो डॉक्टर है। तो एक तो ये बात है, दूसरी मैं सबसे मेजर बात ये बताना चाहता हूँ कि हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो मेरे कोर्ट में आके आप मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में आप किसी भी फाइल पे निगाह मार लीजिए, आपको लगेगा कि ना तो मेडिकल रिकॉर्ड प्रॉपर पेश किया गया है, कुछ हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, मेडिकल प्रोटोकॉल, तो हम कहते हैं कि हम तो जज हैं तो आप हमें दिखाइए कि आपने किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के आधार पे काम किया है। तो कौशिक साहब, आज तक मेरे सामने एक भी केस में कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर पेश नहीं किया गया। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को चाहिए कि चाहे वो सरकारी बॉडी हो, प्राइवेट एसोसिएशन हो, कोई रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन, सो दे हैव टू प्रिपेयर दीज प्रोटोकॉल्स, सो वाई दे आर नॉट बीइंग डन, सो दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज फीलिंग टू मी। ये आपने बड़ी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दी है गुप्ता जी, क्योंकि आजकल आप भी देखते ही होंगे प्रेस में, आजकल ऑलमोस्ट डेली ही मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस अखबारों में रिपोर्ट होते हैं, कुछ एग्जेजरेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ये इशू बहुत अलाइव इशू है जिस पर आपने जो गाइडेंस दी है, मैं समझता हूँ हमारे व्यूअर्स जरूर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुप्ता जी, जैसे हम आम जनता में ये एक फीलिंग है कि कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, हम अखबारों में पढ़ते हैं कोर्ट्स में डिलेज बहुत हो रही हैं, डिस्पोजल बड़ा स्लो है, अगर ये करंट पेंडेंसी को अगर हम क्लियर करने पाएँ तो 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे, तो क्या आपका कमीशन में कोई डिले का अवॉइड करने का तरीका या डिस्पोजल क्विक करने का कोई तरीका आपने निकाला है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको और देनी चाहता हूँ, वो बैंकिंग सेक्टर से संबंध रखती है। ATM का कार्ड मशीन में डाला, 5,000 रुपया निकालना था, तो 5,000 रुपया तो निकल आया, लेकिन जो डेबिट था उसके अकाउंट में 9 times दैट अमाउंट वॉज डेबिटेड, विच मीन्स 45,000। और जब उस बैंक को बुलाया गया, हमने उनके जो IT का हेड है उसको बुलाया, तो फिर उन्होंने माना ये उस टाइम पे कि जी हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी थी तो इसलिए ये 9 times डेबिट हुआ। तो हमने कहा भी अभी आपने अभी क्या किया है,
तो कहने लगे जी अब हमने सारा सिस्टम अपना चेंज कर दिया है। तो पहली फैसिलिटी थी वो स्टैटिक फैसिलिटी थी, अब डायनेमिक फैसिलिटी कर दी है। तो मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पूछा कि हमारा तो कंज्यूमर में हाईएस्ट कोर्ट है, पहले जिले का कोर्ट फिर स्टेट का कोर्ट, तो 45,000 रुपये के पीछे इतने सालों से आप झगड़ रहे हो। तो उनको कोई जवाब नहीं सूझा। वो 45,000 के लिए दे मस्ट हैव स्पेंट लैक्स इन द शेप ऑफ लॉयर्स फीस। तो आपने ये सवाल बड़ा ठीक पूछा है कि जो छोटे छोटे केस हैं या कंज्यूमर लॉ बना है, कंज्यूमर कोर्ट्स स्पेशल बने हैं, तो क्या उसमें जल्दी डिस्पोजल होता है या नहीं होता है। तो मैं फ्रैंकली आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो ऑब्जेक्टिव था फास्ट डिस्पोजल वाला, वो इतना अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिस्टम वैसे की है, लॉयर्स पेश होते हैं, उन्होंने उसी तरह केस को डील करना है। तो इसके लिए अभी यूएनओ ने जो गाइडलाइंस दी हैं अभी दिसंबर 2015 में, तो उन्होंने कहा है कि एडीआर यूज़ किया जाए। अब एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें लोक अदालत आती है, कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन आता है, मीडिएशन आती है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जुलाई 2017 में ऑर्डर पास किया है कि आप एक्शन प्लान बनाइए तो आप लोक अदालतों को यूज़ करिए। तो मैं इसमें थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, आज से लगभग 15 साल पहले तो मैं पंजाब में कंज्यूमर अफेयर्स देखता था फूड सेक्रेटरी के तौर पे। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी भारत सरकार से कि लोक अदालत का सिस्टम कंज्यूमर कोर्ट में लागू किया जाए। तो ये अगस्त 2005 की बात है, एक कंज्यूमर कोर्ट जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस वर इशूड। तो उन्होंने ये कहा था कि हर हफ्ते लोक अदालत लगनी चाहिए, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस सीरियसनेस से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो जिसका रिज़ल्ट ये है कि जो छोटे छोटे कंज्यूमर हैं उनको जल्दी से या स्पीडी इनएक्सपेंसिव ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं तो उसकी पालना नहीं हो रही। तो पर मुझे ये आशा है कि जो नया एक्ट हमारा पास होगा तो उसमें हम छोटे छोटे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ ध्यान देने में सफल हो पाएंगे। आपकी बात से लगता है डिलेज तो है, लेकिन इसके लिए आपके कमीशन में जागरूकता भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जागरूकता के चलते आप कुछ ना कुछ डिलेज को अवॉइड करने के लिए, क्विक डिस्पोजल के लिए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले पाएंगे। गुप्ता जी, अब अगर आप मुझे आज्ञा दें तो आपका जो यूनियन फूड सेक्रेटरी का आपने मेंशन भी किया कुछ जो काम किए हैं, तो जैसे पंजाब का एग्रीकल्चर का पंजाब में काफ़ी रोल है और वीट प्रोडक्शन पैडी प्रोक्योरमेंट वगैरह में भी बड़ा रोल है, तो एज यूनियन फूड सेक्रेटरी क्या आपको अपने कंट्रीब्यूशंस के बारे में, जनरल कंट्रीब्यूशन और पंजाब हरियाणा वगैरह के लिए अगर कोई खास रहा हो तो कुछ बताना चाहेंगे? एज यूनियन फूड सेक्रेटरी जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि हिंदुस्तान की जिन स्टेट्स में ज़्यादा पैदावार होती है जैसे पंजाब हरियाणा, तो उनका जो अनाज है वहाँ से खरीद कर, फार्मर से अनाज खरीद कर तो उसको दूसरी स्टेट्स में पहुँचाना होता है, और पीडीएस जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसको चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे अंडमान है, चाहे लक्षद्वीप है, तो वहाँ तक अनाज पहुँचना चाहिए ताकि कोई भुखमरी से कोई किसी की कोई डेथ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो ये हमारी पीडीएस की स्कीम तो कई सालों से चलती आ रही है, 1995 से चलती आ रही है। पर कौशिक साहब, मैं ये फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द होल वर्ल्ड दैट लीगल एंटाइटलमेंट हैज़ बीन गिवन टू द पीपल। उनको ये कानूनी हक दे दिया गया है कि जो लोग हमारे बेनिफिशरी हैं, अब हर गांव में, इंडिया के हर गांव में 50% पॉपुलेशन जो है, उसमें 75% पॉपुलेशन जो है, तो उनको ये 2 रुपये किलो पे ये गेहूं मिलेगी, 3 रुपये किलो पे चावल मिलेगा, और ये लीगल एंटाइटलमेंट है। अगर कोई किसी को ना मिले, कोई भी वजह हो उसकी, चाहे उसमें उस वक्त सूखा पड़ रहा है, अनाज नहीं है, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ 2013 जो हमने बनाया है। और इसके तहत जो पीडीएस है
उसका सारा काम वो कंप्यूटराइज करने की स्कीम वो हमने बनाई है, ताकि इसमें जो पिल फ्रिज होती है या हम सुनते हैं कि धांधली हो रही है, तो उसको बचा जा सके। तो एक तो ये सबसे बड़ा काम है जो फूड सिक्योरिटी लॉ के तौर पे लीगल एंटाइटलमेंट दे दी गई है, और ये मेरे टाइम पे बना है। गुप्ता जी, आप अपने करियर का कोई मेजर अचीवमेंट हमसे साझा करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, थ्रू आउट माई सर्विस करियर मैंने ये देखा है कि हमारे रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 1994 में मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के रूप में काम करता था, तो हर गांव में एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान BDP वो बनाने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, 400 सोसाइटियों को हमने मल्टीपर्पस सोसाइटी का रूप दिया, और साथ में एक कानून पास किया कि जो सोसाइटी सरकार से पैसा नहीं लेती वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, अपने बायलॉज बनाएगी, अपने रूल्स बनाएगी, वो करेगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये वर्ड हम कहते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना है अगर गांव के लोगों को साथ में मिला के किया जाए, तो वो अपना एक तो ह्यूमन रिसोर्स होता है, लेबर का काम वो कर देते हैं, इसके अलावा वो एक वॉच डॉग की तरह ये देखते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। तो जो काम गांव वालों की शमूलियत के साथ किया जाता है उसके रिज़ल्ट भी बड़े ठीक होते हैं, पायदार होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो हमने ये अटैम्प्ट किया है और हर जगह पे हमने ये कामयाबी हासिल करी है, और लोगों के मन में भी सरकार के प्रति और अफसरों के प्रति एक विश्वास की भावना जागृत होती। तो गुप्ता जी, जो आपने फूड सेक्रेटरी के तौर पे जो आपने अपने अचीवमेंट वर्क के बारे में हमें बताया, तो क्या आप पंजाब के फार्मर के लिए, क्योंकि पंजाब के फार्मर की दुविधा भी हम काफ़ी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो क्या आप पंजाब के लिए और पंजाब के फार्मर के लिए भी कुछ कर पाए एज फूड सेक्रेटरी? इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फार्मर का ध्यान करना और फार्मर को जो उसकी उपज है उसका उचित मुआवजा दिलाना, ये हमारा फ़र्ज बनता है। तो मैंने एज यूनियन फूड सेक्रेटरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बिहार की स्टेट, मध्य प्रदेश की स्टेट, तो वहाँ पे हमने ये बड़ी कोशिश करी है। MSP के बारे में सब जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हर साल वो MSP डिक्लेयर करी जाती है भारत सरकार की तरफ से। तो लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत की स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा और एक दो और स्टेट्स को छोड़कर जो MSP की इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहां फार्मर को MSP के आधार पे पूरे पैसे नहीं मिलते। तो जब मैं यूनियन फूड सेक्रेटरी था तो मैंने बिहार और मध्य प्रदेश में इस चीज़ का प्रयत्न किया था कि पंजाब जैसा सिस्टम तो वहाँ भी लागू हो। तो हम ये कर पाए, ये 2011 में पहली बार बिहार के किसान को MSP के हिसाब से पूरे पैसे दिलाए गए और अकाउंट पे चेक उनके खाते में जमा कराए गए। ये आप बिहार के बारे में बता रहे हैं? ये मैं बिहार के बारे में बता रहा हूँ और मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। और जो पंजाब और हरियाणा में, तो हम आढ़तियों को पेमेंट करते हैं, लेकिन इन स्टेट्स में हमने पैसे सीधे उनके खाते में जमा कराए हैं। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बिहार की प्रोडक्शन उससे अगले साल लगभग 2 गुनी होगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में बहुत बड़ा स्कोप है जो हमारी स्टेट्स UP, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है कि हम अपनी पैदावार को और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में किसी को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि भारत में अनाज की कमी होगी। और इसके साथ अब आपका सवाल जुड़ता है कि पंजाब और हरियाणा का क्या बनेगा। पंजाब और हरियाणा की सारी इकोनॉमी वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स के ऊपर है, वो पिछले 50 साल से यही काम चल रहा है। तो अगर दूसरी स्टेट्स में अनाज ज़्यादा पैदा होने लग जाएगा तो पंजाब और हरियाणा को क्या करने की ज़रूरत है? कौशिक साहब, इसके बारे में
मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, और इस बात की ज़रूरत है कि पंजाब हरियाणा के किसानों की जो आमदन है उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए। मेरा ये एक फर्म बिलीफ है ये कि पंजाब में जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास रूरल एरियाज़ की है, जो एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ हैं हमारे रूरल पंजाबीज में, उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि उनकी पूरी मार्केटिंग की सुविधा हो गई, उनको फिक्स्ड प्राइस मिल गई पैडी की और वीट की, तो उनकी जेब में जितना पैसा जाता है उससे ज़्यादा पैसा अगर हम डालेंगे तभी वो वीट और पैडी से दूर जा पाएंगे। और ये मैं समझता हूँ ये वर्केबल है, ये डूएबल है, मैंने इसको खुद ट्राई किया है जब मैं सेक्रेटरी कोऑपरेशन था। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो किसानों के एग्रीगेट्स का मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, तो एग्रीगेट्स का मतलब ये होता है कि चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो ग्राम पंचायत है, एनी ग्रुप ऑफ फार्मर्स, चाहे वो किसान यूनियन ही क्यों ना है, उनके साथ हमें इस बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का संबंध जोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, गवर्नमेंट शुड नॉट बी ए पार्टनर इन द प्रोसेस ऑफ परचेज या इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट का ये फ़र्ज बनता है कि बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो उनका सामान खरीद सकते हैं उनको टेक्निकल नो हाउ दे के अपनी मर्जी के मुताबिक पैदावार करवा के उनका सामान खरीद लें, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होगी, किसान की जेब में पहले से ज़्यादा पैसे जाएंगे और पंजाब और हरियाणा और आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री की तरफ उनका ध्यान जाएगा। और सारी दुनिया में ऐसा ही हुआ है, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट जब हो जाती है तो उसके आगे हमने डाइवर्सिफाई करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, सर्विस सेक्टर की तरफ जाना है। तो पंजाब और हरियाणा का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, देर इज़ नो लैक ऑफ पोलिटिकल विल, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, देर इज़ नो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और टेक्निकल स्किल और ब्यूरोक्रेटिक स्किल इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। द ओनली पॉइंट इज दैट इट हैज़ टू बी चैनल्ड इन द राइट लाइन्स। ये गुप्ता जी जो आपने नैरेटिव दिया है उससे मैं जो दो बातें खास तौर से समझ पाया हूँ वो है, एक तो जैसे बिहार के बारे में जो ये एक इम्प्रेशन रहता है अखबार पढ़ने वाली जनता हमारे जैसे कि भाई बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन अप टू द मार्क नहीं है या उतना अच्छा नहीं है जितना पंजाब हरियाणा का है, लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर प्रॉपरली किसी चीज़ों को ट्रीट किया जाए तो बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ सेकेंड टू नन, जो मैं इम्प्रेशन गैदर किया है। और दूसरा आपके नैरेटिव से मैंने ये जो कंक्लूड किया है कि आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, पीएचडी रहे, फिर पंजाब में आपका वास्ट एक्सपीरियंस रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर जो आप सेक्रेटरी फूड रहे, उसके बाद आजकल आप मेंबर कंज्यूमर कमीशन है, उस सारे एक्सपीरियंस के जरिए जो आपने नैरेटिव दिया है अगर उसको फॉलो किया जाए तो पंजाब और हमारे देश में वाकई फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचने की शायद कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक गिवन हो जाएगा। अगर आप मुझको अब अलाउ करें तो मैं जो आपका पंजाब में एक्सपीरियंस रहा है एज एन आईएएस ऑफिसर फील्ड में भी और सेक्रेटरीट में भी, तो उसके बारे में कोई आप एक्सपीरियंस साझा करें तो अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। पंजाब में मैंने जितनी पोस्टों पर काम किया है मैंने यही कोशिश करी कि जो पंजाब के गांव हैं उनमें तरक्की का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये आज की बात नहीं है, 1994 में हमने एक स्कीम शुरू करी थी कि हर गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक बिज़नेस डेवलपमेंट प्लान, बीडीपी उसको कहते हैं, वो बनाई जाए। उसके बाद हमने पहली बार ये हुआ पंजाब में जो सोसाइटीज़ हैं उनका नाम हमने मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रख दिया। तो उसका ये मतलब होता है, और फिर हमने एक नया कानून बनाया तो उसका मतलब ये था कि अगर जो सरकार से कोई सोसाइटी पैसा नहीं लेती तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, वो अपने बाईलॉज बनाए, अपने इलेक्शन कराए, जो मर्जी करे। तो मेरा ये मतलब है कि जो मैंने पहले कहा है, इस तरह की सोसाइटियाँ सबसे पहले 400 गांव में बनाई गई थी, तो ये हमारे डेवलपमेंट के मॉडल हैं और
इनको हम एक कैटलिस्ट का रूप धारण करते हुए अगर हम इनको सपोर्ट करें, हम इनकी बाजू पकड़ें और इनको हम हर तरह से ये इक्विप करते हुए तो हम ये कोशिश करें तो ये किसान की इनकम में बहुत इंक्रीज़ हो सकता है और मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल किया जा सकता है, बस थोड़ा सा इस पर तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो अपने एक्सपीरियंस साझा किए और जो आपने ज्ञान अर्जित किया अपनी सेवा के दौरान, उसको आपने हमारे सबके हमारे व्यूअर्स के साथ साझा किया। मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसका काफ़ी लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।